अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फिलहाल अभी एक रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे मैंने नाश्ता किया और भाई बता दें टोटल कितना बिल हो गया मेरा? 4000 रुपए बिल हो गया भाई आपका। 4000 रुपए? पागल तो नहीं हो यार भाई? ये 2000 रुपए पकड़ो, दो बंदों ने खाना खाया, ये लो भाई। इतना ज्यादा खाना खाया जितना 10 बंदे नहीं खाते यार। 2000 रुपए और दे दो भाई। मेरे भाई बस करो यार, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अच्छा किया ना तुम्हें हाथ धोए बगैर बिरयानी खिलाई है, मैंने निहारी भी खिलाई। अगली बार आना तुम्हें खोते की बिरयानी निहारी खिलाऊंगा मैं। क्या बकवास कर रहे हो, हाथ ही नहीं धोए तुमने? हाँ हाथ धोए बगैर बना के खिलाऊंगा। शर्म नहीं आती तुझे? अगली बार आना सुअर की बिरयानी खिलाऊंगा। सुअर की बिरयानी खिलाएगा तू? फिलहाल ये तो खाना टांगे। बहरहाल मजे की तो थी यार। सामने वाली जिम ट्रेनर को बुलाता हूँ, शफीक। इधर आ। जिम ट्रेनर को बुलाता है, शफीक नाम है लड़की का। वाह भाई वाह, जल्दी से मैं जाता हूँ। फजूल आदमी, खामखा दिमाग खा रहा है। इससे पहले वाकई जिम ट्रेनर निकल के आए मुझे मारे, मैं तो जाता हूँ नीचे। मैं और साले साहब यहाँ पे आए हुए थे नाश्ता करने, बहुत ही जबरदस्त नाश्ता ये था। पार्किंग से गाड़ी किसने इस तरह डिंगी पार्किंग में लगाई है? भाई तू साइड पे लग जा। अच्छा अच्छा, शाबाश, आराम से। फजूल आदमी दिमाग खा रहा है। साले साहब आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा था यार, मैं निहारी पैक कर रहा था। निहारी पैक कर रहा था? ये कौन सा तरीका होता है पैक करने का? तुम सारा जो बीच में से लेग पीस निकाल के अपनी जेबों में डाल रहे थे, हैं? जेबों में डाल रहा था ना यार, अपने बेटे के लिए लेके जाऊंगा। हाँ सारी अभी ये सीटें गंदी करोगे, जेबों में लेग पीस डाल रहे हो, बेशरम आदमी। मुझे नहीं पता तुम बाद में निकाल के खाते रहते हो। हाँ तो क्या है, कोई मसले वाली बात है? चलो जमील को ढूंढने चलते हैं। मसले छोड़ो यार, जमील को क्यों ढूंढने चलते हैं, आराम से सोते हैं। एक दो मुझे भी लेग पीस निकाल के दो जेब में से। ये ले, खा ले। बहुत ही जबरदस्त यार, बहुत ही जबरदस्त। ये खुशबू अजीब सी आ रही है, परफ्यूम तो नहीं लगाया तूने? परफ्यूम नहीं यार, एरियल से कपड़े धोए थे ना, एरियल की खुशबू। गैरत आदमी, जलील आदमी, मैंने कहा था शॉपर में रख लो, तुम भी तो अजीब आदमी हो यार। शॉपर मिला नहीं था यार, फिर क्या करता, उधर ही छोड़ देता क्या प्लेट में बोटिया? अच्छा अभी ड्रामेबाजी बंद कर, किधर जाना है बता? जमील के दोस्त के घर जाएंगे अभी, उसके अब्बे को साथ लेके जाके फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट कराएंगे। जमील के दोस्त के घर क्यों जाएंगे? क्योंकि जमील का दोस्त भी तो साथ में गुम हुआ है ना यार, जमील के साथ ही गुम हुआ था। जमील के साथ ही वो भी गुम हुआ है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा बच्चा जमील गुम हुआ है, साथ में उसका दोस्त भी है एक जलील शारिक, वो भी गुम हुआ है। बिल्लू 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 पता नहीं उसे कहते हैं, है ना? हां बिल्लू उसका निकनेम है ना यार। हां निकनेम है, चलो सही है, बात करते हैं। ये उसका अब्बा तो आए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यार, वो आपका बच्चा मिला? नहीं मिला यार, क्या करूं, यम्मी ने रो रो के स्विमिंग पूल भर दिया है उसके आंसुओं से। मैंने कहा नहा लूं इसमें। कौन सा, ये वाला स्विमिंग पूल? हाँ जी। ओए होए यार, नहीं यार झूठ बोल रहे हो तुम, हैं आंसुओं से कैसे भर गया है? यार तुम चेक कर लो, खट्टा सा है। खट्टा सा है? क्या खट्टा सा है? ये उसके आंसू है ना, खट्टे खट्टे। बेगैरत आदमी, आप अंदर नहा के पीते? बेगैरत आदमी, शर्म आपको आती नहीं है? पता नहीं अजीब आदमी हो। अच्छा बताओ अभी पुलिस स्टेशन गए हो या नहीं? पुलिस स्टेशन क्यों जाऊं यार, इतने का मेरा बच्चा नहीं होगा जितने वो FIR के पैसे मांग लेते। चलो सही है, हमारे साथ आओ ना, अजीब लालची आदमी हो तुम भी वैसे, अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी को टो कर लो ताकि पेट्रोल जाया ना हो। बहुत ही कोई कंजूस आदमी है, बैठ जल्दी कर गाड़ी में, इधर आ हमारी गाड़ी में ही बैठ जा, इतनी तकलीफ है तो आ जा। ठीक है रो, ये अपनी गाड़ी में आ जाओ तो ठीक है ना। अपनी गाड़ी में आने देना यार, अभी नहा ना के निकला हुआ, गीले कपड़े पहने हुए, किधर तू इसको अपनी गाड़ी में बिठा रहा है? पता नहीं अजीब से पानी में नहा रहा था, नमकीन है, चेक कर लो कह रहा है बेगैरत आदमी। मुझे लगता है ऐसे ही रोज नहाता होगा, इसके अंदर पानी नहीं चेंज करता होगा। मुझे भी यही लगता है। निकलते हैं हम लोग जल्दी से, आ जाओ भाई जल्दी से, आराम आराम से आओ भाई, आराम आराम से फॉलो करते करते आना। चलो यार जल्दी से चलते हैं पुलिस स्टेशन। फैजान साहब सो तो नहीं गए हो? नहीं नहीं यार, बस नींद आ रही थी मुझे। ये देखो चाचा कितना तेज चलाता है यार, शारिक काबू। हाँ इसने टक्कर मार मार के गाड़ी की हालत खराब की हुई है, अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं ना, वहाँ पे मेरा दिल कर रहा है इसके खिलाफ भी कंप्लेन करवाऊं। क्या हो गया, पीछे कैसे रह गए? रुक गया लगता है, गाड़ी खराब होगी। क्या हो गया अंकल? गाड़ी मार दी इसका, एक मिनट पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी। यार गाड़ी हमारी गाड़ी है भाई, गाड़ी तो ये है। हाँ सही बात है, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, आ जाओ जल्दी कर। ओ भाई सब्र करो। ओए जमील के अब्बा, क्या हो गया? एक कप पेट्रोल का निकाल के दे, इसमें पेट्रोल मुक गया है। ओ बेगैरत आदमी, पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? वो 50 रुपए का कल डलवाया था, पता नहीं कब खत्म हुआ है। अच्छा अभी ये इधर ही खड़ी कर दो गाड़ी, मैं आपसे बड़ा कंजूस आदमी हूँ, चलो हमारी गाड़ी में चलो। चलो फिर ठीक है, एसी चला के बैठूंगा। हाँ एसी चला के बैठना, आ जाओ। ओ भाई रुक जाओ आप, ये पता नहीं कौन सी मोहतरमा है, सवार ही नहीं कर रही, रुक जाए रुक जाए। ओ गाड़ी खराब कर दी है बंदी ने अपनी, बैठ भी जाओ अब चाचा जी। हाँ हाँ आ रहा हूँ, जल्दी बैठो। गाड़ी से कौन सा सामान लेने गए थे अंकल आप? गाड़ी से वो मेरे पैसे पड़े थे। कितने पैसे थे?
50-60 रुपया पड़ा था, मैंने कहा उठा लूं, कुछ चोरी ना कर लेना। आराम किया करो अंकल, 50-60 रुपया साथ लेके घूमते हो। 50-60 रुपया उठाने के लिए बंदा गाड़ी में गया, अजीब आदमी है, इतनी बड़ी गाड़ी छोड़ के जा रहा है भाई तू, कुछ तो शर्म कर। कोई गाड़ी लेके चला जाए तो फिर। लॉक किया हुआ, टेंशन ना लाओ, छांव के नीचे लगाई है। क्या बात है यार, होशियार आदमी है, काम तो वैसे ऐसे ही होते हैं। क्यों फैजान? सही बात है, बंदा होशियार है, अपनी चीजों की बंदा कदर नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। क्यों फैजान? यही बात है, बस मेरा बच्चा नहीं करता, जलील का बच्चा। ये देखें बच्चे तो आजकल किधर ही, वो परवाह ही नहीं करते भाई, बाप का पैसा है ना, लुटाएंगे। जो बात है, खुद कमाना पड़े तो पता चले ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह भाई, इसी तरह। यार भाई मैं तो अपने वालिद साहब की चीजों की बहुत कदर करता हूँ यार, कोई चीज नीचे गिरी हुई मुझे बर्दाश्त नहीं होती, कोई चीज नीचे पड़ी हो उसे फौरन उठा के ऊपर रखता हूँ। एक दिन ना ऐसे ही जूते पड़े हुए थे ना अब्बा जी के, तो वो मैंने उठा के ऊपर अलमारी पे रख दिए, तो उन्हीं जूतों से बाद में मेरी सुताई हुई थी। देखो मैंने तो चीजों की कदर की थी, लेकिन देखे ना कभी कभी माँ बाप भी ना बंदे को ऐसे ही मार जाते हैं। अच्छा तेरे माँ बाप तुझे मारते थे तो वो गलत करते थे हैं? और तू जो जमील को मारता है उसके बारे में क्या ख्याल है तेरा? वो सिनेरियो अलग है, समझ आई ना? अच्छा सही हो गया, वो सिनेरियो अलग है। साले साहब फजूल बहस करने का कोई शौक है तुम्हें मेरे साथ, है ना? यार फजूल बहस की बात ही नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने अपने बच्चे को जलील किया हुआ, उसकी जिंदगी अजाब की हुई थी, तभी तंग आके तेरे जुल्मों से वो भाग गया। मैंने कोई जिंदगी अजाब नहीं की हुई, खुद ड्रामेबाजी करता है वो, हर टाइम निकल जाता है, बस कुत्ते की तरह खेलने का शौक है उसे, और कुछ भी नहीं है। खेलने का शौक है तो खेल के वापस आता था ना, अब देख तूने इतना तंग किया उसको, तेरे डर से वो घर ही नहीं आ रहा। बस नहीं आ रहा ना, तुम्हें पता है कहाँ है तो बता दो। मुझे क्या पता कहाँ है? बस फिर ड्रामेबाजी नहीं करो, इस वजह से गया, फलानी वजह से गया। ओ भाई पहले भी तू बोल रहा था मैंने तुझे छोड़ दिया, अभी शोखा हो रहा है। क्या छोड़ दिया हो फैजान, देख रहा तेरे बच्चे की उम्र का होगा। भाई ओ हेलो, मेरा बच्चा पता कितने साल का, 17 साल का, 18 साल का भी नहीं हुआ वो, और तू कह रहा है मेरे बच्चे की उम्र का होगा। चल अब अपना काम कर चाचा। बस कर तो बूढ़े अंकल यार, कुछ तो शर्म करो, मरना भी है। हाँ तुम लोग इतने झूठ बोल रहे हो, तुम लोग वाले नहीं मरना, हमने भी मरना, लेकिन हम आपकी तरह झूठ नहीं बोलते। और दूसरी बात, मेरे बहनोई से तमीज से बात करें, ठीक है ना? मैं डाले से निकाल के बाहर फेंक दूंगा, जानता नहीं तू मुझे। ये बात समझ गयो, अभी देख रहा हूँ तेरी इज्जत करवा रहा हूँ ना मुजफ्फा, तुम दोनों की इज्जत निकाल के मैं फेंक दूंगा। ओहो ज्यादा फ्री नहीं हो, बकवास नहीं करो यार, जानते नहीं हो तुम, हम दो बंदे हैं ठीक है, क्या क्या करेंगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, इतना मारेंगे। और अभी पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, तुम्हें लग पता जाएगा, समझ आई ना कि हम कितने बड़े लोग हैं। मैंने क्या किया है? रोने लग जाए, रोने लग जाएगा बंदा। अच्छा अच्छा कुछ नहीं किया, वो तुम्हारे बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं, हम तो देखो इंसानियत के नाते तुम्हारा भला। मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ा डाटा बंदा हूँ, मेरे कजन खुद DSP है। अच्छा फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, आ गए हैं पुलिस स्टेशन, तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी मोड़ के खड़ी कर देते हैं। तुम लोग फिर अंदर जाओ ना, मैं इधर ही ठीक हूँ। नहीं आपके कजन नहीं होते इधर? चलो मैं आ जाता हूँ फिर। झूठ बोल रहा था, कोई कजन नहीं होता है। मेरा कजन होता है, वो चौकीदार है इधर का, चौकीदार DSP होता है। मैं चपेड़ा खाओगे भाई मेरे से, हमें दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार। ये तो बंद है पुलिस स्टेशन तो शायद। नहीं नहीं यार चल के देखते हैं अंदर, आई थिंक हम जल्दी आ गए। वो सामने आ तो रही है पुलिस वाले की गाड़ी यार, ये वाला स्टेशन वैसे खुल तो जल्दी जाता है, बट आपको सर वो बताया था मेरा बच्चा गुमा हुआ है। हाँ बताया था फिर जी सर, तो वो क्या करना है उसका? क्या करना है वो तो देखें, पुलिस अपना काम कर रही है, इतला मिल जाएगी 2 महीने तक तो पता चल जाएगा किधर है आपका बच्चा। ये पकड़े ना, ये पकड़े सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी अब कब तक मिलेगा? कल तक मिल जाएगा सर जी। ये काले हबशी बंदे ने आपकी वीडियो निकाल ली है, कह रहे रिश्वत ले रहा है, फेसबुक पे चढ़ाऊंगा। हां किसने वीडियो निकाली है मेरी? नहीं नहीं मैंने तो कोई वीडियो नहीं निकाली, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये जो खड़ा हुआ ना ये कोजी शर्ट वाला। हाँ जी सर जी, ये मेरे साले साहब हैं, वीडियो चढ़ाते रहते हैं ना ये चोरों के खिलाफ, साथ ऐसे लगाते हैं। आज भी मेरे ख्यालों की मैं तपिश निकालता हूँ तुम लोगों की, एक सेकंड। अच्छा अच्छा सर जी सॉरी, मोबाइल दे जल्दी कर, डिलीट करता हूं। इसके मत्थे में गोली मारे, अभी डिलीट करता हूँ, डिलीट कर मेरे सामने, डिलीट कर। जी जी करता हूँ करता हूँ, देखे गोली नहीं मारना प्लीज। हाँ ठीक है जल्दी कर, डिलीट कर जाना। सर जी वो मैंने कहना था कि सर मेरे साथ ये जो भाई है इनका बच्चा भी गुम हुआ है ना। हाँ, मेरा बच्चा भी गुम हुआ हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, उसके पास मोबाइल था, मेरे बच्चे के पास तो मोबाइल नहीं है ना। हाँ, बट इनका जो बच्चा है उसके पास मोबाइल है।
आप फोन नंबर बता दे अपने बच्चे का। फोन नंबर बताओ भाई। मैं बताता हूँ, 0 44 45 97 98। चलो मैंने नोट कर दिया, मैं इसको जरा ट्रैक कराता हूँ, आप टेंशन नहीं। ट्रैक करवाए ना, पता लग जाएगा ये दोनों किधर दफा हुए हैं, बस अभी पता चल जाएगा। और वो मेरा जो वो इधर काम करता है वो DSP, क्या नाम, शकूर। बस कह रहा है, छोटू चाय वाला रखा है उसको मैंने, वो भी गली पे उधर भीख मांग रहा था, मैं लेके आया था उसको इधर। अच्छा अच्छा, सॉरी, यानी उसी को मेरा सलाम कहना, वो अंकल आए थे आप। कल चल शावे जल्दी यहाँ से। जी जी सर, जा रहे हैं जा रहे हैं। हाँ हाँ, निकालो गाड़ी, निकालो शावे जल्दी सर जी, फिर सलाम दे देना मेरे दोस्त को। चुप हो जाए फजूल आदमी, निकाल गाड़ी निकाल। अच्छा वो मैंने कहना था सर, जब मेरे बच्चे का पता चल गया ना तो उसको मारते मारते मेरे घर छोड़ जाइएगा, ठीक है? छोड़ जाऊंगा। वैसे तो मैंने आपको दे दिए ना, रोटी पानी के, समझ गए ना? ओ भाई ज्यादा फ्री ना हो, जो तो तूने पैसे दिए 500 रुपए, नखरे किस बात के दिखा रहे। अच्छा भाई, और भी चाहिए होंगे तो आ जाना ना। सर जी जो 50 मैंने दिया है। ओए चुप करके गाड़ी निकालो, इससे पहले तुम लोगों को भी बंद करूं थाने में। यार मेरा बच्चा नहीं मिला ना, मैं आपके पुलिस स्टेशन को खा जाऊंगा। अभी सुना ही नहीं होगा उसने। चलो जल्दी से निकलते हैं, अगर सुन लिया होता गंजा में खपती है ना। और नहीं तो क्या। और यार ये शारिक के अबू, तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज है कि नहीं? मैं वीडियो बना रहा था, तुम पुलिस वाले को बता रहे हो कि ये तुम्हारी वीडियो निकाल रहा है। सही कर रहा था, तो वीडियो बना रहा था, सही बताया है मैंने उसको, फिर वो घर आके मारता हमें फिर। हाँ बात तो ये भी है यार, उसको पता ही नहीं चलता यार। हाँ फेसबुक पे जब मशहूर होती तो फिर उसको मशहूर होती तब तक उसकी नौकरी चली जाती यार, तुझे अकल ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, फजूल आदमी, बात सही कर रहा है। पर चलो अभी शारिक के अबू को घर छोड़ दें, फिर अपने अपने घर जाते हैं, ठीक है? हाँ सही है सही है। हाँ यार वैसे शारिक के अबू का कोई नाम तो होगा ना? होगा कोई मनहूसा नाम इसी की तरह। यार क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है खून में मेरे मट्टी, मट्टी में मेरा खून। ये तो पुलिस वाला है सुल्तान। इसको नंबर मिल तो नहीं गया उसका, जमील का? सलामुअलैकुम भाई। हाँ नंबर ट्रैक करा लिया मैंने। क्या बात है क्या बात है सर, वो मैंने कहना था कि किधर है ये? बस मैं उधर ही जा रहा। नशे तो नहीं कर रहा सर? नशे वशे नहीं कर रहा, किधर पास की लोकेशन आ रही है। अच्छा हाँ, तो है। मैं जरा पहुंच रहा हूँ वहाँ पे, चलने हैं आप लोगों ने तो? आपके साथ चलता हूँ। हाँ चलो ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है सर, साथ साथ गाड़ी चलाइएगा ना सर। हाँ ठीक है टेंशन मत लो, जल्दी करो, बैठो यार बैठो, जल्दी करो। सर की वैसे गाड़ी प्यारी है। हाँ हमसे प्यारी नहीं है वैसे, है ना? यही बात है ना, हमारा तो फिर डाला है, उसके तो शशके ही अलग है ना यार। हाँ फिर डाला तो डाला ही होता है ना, और डाला भी कौन सा 6x6 है। पुलिस वालों की मुबलैल भी बड़ी प्यारी होती है। अब तुम पुलिस वालों की पोशियां जरा कम करो और चलो अभी। हाँ इसी मुबलैल के नीचे तुझे घसीटते हुए लेके जाएंगे अभी, सबर का टेंशन नहीं ले। मुझे लगता है इसी ने किडनैप किया है हमारे बच्चों को, इसने, ये जो शारिक का अब्बू है। ओ खुदा का वास्ता यार, तुझे मेरा अपना बच्चा घुमा पड़ा है। कोई पता नहीं आपके बच्चे ने मिलके प्लान बनाया हो आपके साथ के जमील को अगवा करता है और मोटी रकम निकलवाएगा। पहले मैं पुलिस वाले को रोकता हूँ और कहता हूँ तुझे उठाए पहले। ओ ज्यादा फ्री नहीं हो, पुलिस वाले को रोकता हूँ। पुलिस वाला चलाता कितना स्लो है, अजीब आदमी है। अच्छी बात है ना यार, ओवर स्पीडिंग कौन सी अच्छी चीज होती है। हाँ यार वो तो लॉज को फॉलो कर रहा है यार, बड़ा ईमानदार आदमी लग रहा है। और नहीं तो क्या, कितना ईमानदार आदमी, अभी 500 रुपए खाए थे। 500 तो रिश्वत ली है, ये तो बात है, लेकिन यार इन्होंने भी अपना घर चलाना होता है। 550 मैंने दिया था। यार तू अपने 50 का बोर्ड लगवा इधर सामने, ठीक है ना? 50 रुपए दिए थे, 50 रुपए दिए थे, अब क्या करें 50? ये ले मेरे से ले ले 50 रुपए, ये ले इससे ले ले, इसकी ये जिंदगी की कमाई है, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है ये। नहीं तुम्हारे वास्ते मेरा 50 गए, अब मैं 100 लूंगा। जा भाई 100 लेगा, 50 भी ना दे इसको, 50 भी ना दे, वापस रख लेता हूँ। ओ भाई किधर लेके जा रही है, हमारे घर ही ना लेके जा रहा हूँ, अजीब आदमी है। ओ भाई हो सकता है हमारे घर लेके जा रहा हूँ। पुलिस वाले भाई रुको रुको बात सुनो, अजीब आदमी है। सर जी किधर लेके जा रहे हैं? अभी मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना, सामने एक जगह है, उधर ही तुम्हारे बच्चे की लोकेशन आ रही है, चलो। अच्छा अच्छा सर जी, सही सही, मैंने कहा हमारे घर लेके जा रहे हैं। सर जी इधर PSO पंप पे तो नहीं है वो? सर निकल गए यार। चलो भाई ये कौन सी जगह है यार? लोग ला के तो बच्चों को किडनैप करके रखते है ना यार, मुझे भी यही लग रहा है जमील अगवा हो गया। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मेरा बच्चा अगवा हो गया है। चुप हो जाओ शौनी मचा, तुम्हारे बच्चे का मोबाइल इसी बिल्डिंग में है, ठीक है? तो अब एक काम करो के सारे अलग अलग डायरेक्शंस में जाओ और बच्चे को ढूंढो, ठीक है? जिसको मिलेगा दूसरों को आवाज देना। सर हम खुद ढूंढने, क्या आपका क्या काम है? पागल आदमी, मैं भी तो ढूंढ ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सर भी तो ढूंढ रहे हैं, एक तो इतने वो जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, लोकेशन उन्होंने बताई है। ओ यार तुम चुप करो ना, अभी जब वो किडनैपर्स पैसे मांगेंगे ना तब तुम्हें तकलीफ होगी। और जैसे आप ढूंढते हो वैसे तो मिलेगा भी नहीं भाई, शारिक के अबू सुल्तान भाई, सर नीचे करके आप ढूंढते हो।
सर नीचे करके, मेरा बच्चा नीचे ही पड़ा होता है, कहीं भी सो जाता है। गिरा हुआ बच्चा आपका कहीं भी गिरा पड़ा होता है। ओए अभी मैं गिर जाता यार। स्टंट तू कर रहा है इधर, बच्चा मेरा नहीं लग रहा। तेरा बच्चा नहीं लग रहा, अपने बच्चे को खुद ढूंढो, मैं अपने बच्चे को ढूंढने आया हूँ, समझ आई? रामे बाजो सर, आपको मिला बच्चा? नहीं मुझे तो नहीं मिला, ना ही मोबाइल मिल रहा है मुझे कहीं। तो सर फिर क्या करना है? अब क्या करना है मैं क्या बता सकता हूँ, मैं जाके देखता हूँ उधर आसपास की बिल्डिंग्स में सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे ना, तो उनको चेक करता हूँ। चेक करवाएं सर, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे कहाँ ही लगे होंगे सीसीटीवी? आसपास की बिल्डिंग्स में तो लगे होंगे ना यार, आसपास के सिग्नल्स पे लगे होंगे सीसीटीवी कैमरास। चेक कराओ आप सर। टेंशन मत लो, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी ना कैमरा में मैं देख लूंगा, ठीक है सर? सही है, पकड़ता हूँ तुम्हारे बच्चे को, ढूंढ के लाऊंगा, टेंशन मत लो। जी जी सर, मारते मारते लाना। हाँ मारता मारता लाऊंगा, पहले मिल तो जाए बच्चा, खूनी आदमी। खूनी आदमी दिमाग खराब करके रखा है। साले साहब मिला? नहीं कोई मिला यार इधर तो। चलते हैं, मेरा ख्याल है इस पुलिस वाले को ना। तू एक बार सारी बिल्डिंग देख तो आ ऊपर। मैंने सारी देख ली है, दिमाग खराब करके रखा है। नहीं है यहाँ पे, गाड़ी लेके जाए ऊपर क्या? गाड़ी छोड़ो, चलो वैसे ही देख आते, पर चलो अब चले, चलते हैं बस। सही है। हाँ भाई तुम लोगों को मैंने बोला था कि इनके गुर्दे निकालने हैं, निकाले नहीं अभी तक। सर वो बेहोशी की दवा खत्म हो गई है ना, ये बच्चे शोर बहुत मचाएंगे अगर ऐसे इनके गुर्दे निकाले तो, पहले बेहोश करेंगे तब गुर्दे निकालेंगे। सर जी मेरी बात सुनिए। हाँ बोल। सर जी मैं गुर्दे ना निकालना, मैं पापा को क्या बताऊंगा मेरे गुर्दे की दर है। सर जी हमें छोड़ दे, मेरे अब्बू जी भी बड़ी बेइज्जती करेंगे। सालो बचोगे तो पता चलेगा ना, बाप को बताने काबिल रहोगे तो तब ना। निकालो इनके गुर्दे। सर जी ये जो लड़का है ना मोटा, इसके अब्बू बड़े अमीर हैं, इससे पैसे मांग ले और हमें छोड़ दे। कितने पैसे मांगे? करोड़ों मांग ले, बहुत अमीर है। ओए सही कह रहे है? सर जी फंसवाएगा ये बच्चा, ये बच्चा बहुत तेज लग रहा है, ये जो सुखा बच्चा है ना ये बहुत तेज है, मोटू पतलू की जोड़ी बन के बैठे हुए दोनों। बस छोड़ो एक काम करो ना, गुर्दे निकाले। गुर्दे निकाले और जो खून शून निकलेगा वो इधर बहा देना। ओके सर जी डन। ओके ये जो मेन होल है सही है। बस सर जी वो कसाई को भेजा हुआ है, वो लेके आता है। हमें छोड़ दे सर जी। कसाई को भेजा है बेहोशी की दवाई लेने? हाँ जी सर जी। चलो सही है, बेहोशी की दवाई मंगवाओ फिर खत्म करो। जी सर जी ठीक हो गया। हाँ एक काम करो, ये पुलिस की आवाज कहाँ से आ रही है? ओए सायरन की आवाज आ रही है, ये कहाँ से आवाज आ रही है? ओए नीचे पुलिस वाली गाड़ी कहाँ से आ गई? ओए शफीक, शफीक। हाँ जी सर जी क्या हुआ? यार ये नीचे पुलिस वाली गाड़ी आ गई है। पुलिस की गाड़ी? सर जी मेरी एक बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे नहीं होगा मेरा बच्चा सर जी, ऐसी जगहों पे वो नहीं खेलता। मैं तुझे बता रहा हूँ मुझे शक हो रहा है तेरे बच्चे को किसी ने किडनैप किया है और इसी बिल्डिंग में छुपाया हुआ है। अच्छा? तूने जाके ऊपर देखा था अपने बच्चे को? मैंने हर जगह देखा है। नहीं मिला तुझे बच्चा? नहीं मिला सर, नहीं मिला। यार पता नहीं तू किस किस्म का आदमी है, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरा बच्चा इधर ही है, मुझे तो यही शक है। अच्छा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, देख लें यहाँ पे नीचे आपने खुद देखा है, अभी आप कह रहे हैं कि इधर ही है बच्चा, इधर हो ही नहीं सकता सर जी। बहरहाल मैं चेक करता हूँ ना, मुझे गाड़ी की आवाज आ रही है कहीं से। हाँ सर ये गाड़ी के निशान भी है यहाँ पे। हाँ ये देखो ये सामने से बुलाना रे, बुलान कटा कटा। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। सर जी वो निकल गया, वो स्कूल वाला था कोई, स्कूल वैन वाला। पागल आदमी है, अजीब पागल आदमी है तू, जल्दी कर गाड़ी में बैठ, फॉलो करते हैं। सर आ रहे हैं, आ रहे हैं सर जी। मेरे ख्याल से यही किडनैपर्स हैं, यही किडनैपर्स हैं, जल्दी करो शाबाश, जल्दी करो बैठो मेरे साथ। सर जी मुझे भी अपने साथ ले जाएं। अबे तुझे किधर साथ लेके जाऊं, तू जा चल घर चला जा शाबाश। शारिक के अबू आप इधर इंतजार करें ना, हम लोग आ रहे हैं। पर मेरा भी तो बच्चा है। सर जी उनके पास गन्ने थी। अच्छा मैं फिर इधर रह लेता हूँ। ठीक है आप एक काम करो ना भाई, आप बिल्डिंग की तलाशी लो, आप देखो कोई सबूत वगैरह आपको मिलता है तो हमें फौरन इत्तला करो, ठीक है? निकाले निकाले सर जी। मैं बिल्कुल पागल हो गया, बहुत जोर से धक्का मारा है उस बंदे ने, मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। बहुत गलत किया उसने। किधर गया होगा सर जी वो? सामने ही गया होगा, सामने कोई गया होगा। अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, जो बच्चे के पास मोबाइल छोड़ा हुआ था ना। हाँ सर इसी वजह से मैं लोकेशन पता चल गया इनकी। नहीं सर जी ये मेरे बच्चे के दोस्त के पास मोबाइल था। हाँ। मैं तो अपने बच्चे को मोबाइल देने के काफी खिलाफ हूँ। हाँ बहुत अच्छा आदमी है। देखिए सर जी बच्चे बिगड़ जाते हैं ना सर जी। हाँ इतने सयाने नहीं बना करो, ठीक है? क्यों सर जी मोबाइल देने चाहिए क्या बच्चों को? मैं नहीं कहता मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन ये जो तूने हरकत की है, कैरी डब्बे वाले को रोका ही नहीं है तूने, आराम से खड़ा है मुंह खोल के तू उधर। सर मैंने तो मुंह बंद किया हुआ था, मैं सच बता रहा हूँ। मुंह बंद किया हुआ था तो कौन सा तूने बड़ा तीर मार लिया मुंह बंद करके? सर जी आराम से चलाए, मेरी नई गाड़ी है, $9,00,000 की है। बेटा तेरे बच्चे को बचाने जा रहा हूँ, तुझे फिक्र ही नहीं है अपने बच्चे की, 9 लाख डोनर की गाड़ी है। नहीं सर सॉरी, अच्छा लेकिन सर महंगी गाड़ी है ना, थोड़ा लिहाज किया करें। चाहिए फिर तू चला जा खुद अपने बच्चे को बचाने, मैं तो जा रहा हूँ घर, यहाँ पे रोकता हूँ गाड़ी, साइड लगा। सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ फजूल बातें नहीं करनी मेरे सामने।
आपको कुछ पता चल रहा है लोकेशन वगैरह? लोकेशन वगैरह तो नहीं पता चल रहा मेरे ख्याल से, ऐसे तो हम उसको कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे, पता नहीं कौन से रास्ते पे गया। मैं एक काम करता हूँ ना, डिपार्टमेंट में कॉल करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि सारे जो शहर है लाइव लोकेशन सेंड करें उनको बोल। हाँ ये भी बोलता हूँ, लाइव लोकेशन भी सेंड करें, और ये भी बोल देता हूँ कि पूरे शहर में नाके वगैरह लगा दें, और पीला कैरी डब्बा जहाँ पे नजर आए ना उनको पकड़ लें। बिल्कुल सर ये करें, ये आपने अच्छा मशवरा दिया है। चलो ठीक है, मैं फिर देखता हूँ उनको, जल्दी करें सर। हाँ इधर गाड़ी साइड पे लगा लेते, तू जरा चाय का कप ले मेरे लिए। सही है मैं ले आता हूँ सर जी, चाय पिलाता रहे इनको। क्या बोल रहे? चाय लाता हूँ, चाय लाता हूँ, जल्दी लेके आना यार। ठीक है सिगरेट भी ले साथ में। ठीक है सर। हेलो हेलो जी जी सलाम अलैकुम सर। हाँ एक पीले कलर का कैरी डब्बा है, ठीक है। हाँ जी उसमें दो बच्चे किडनैप हुए। अच्छा, तो पूरे शहर में ना इत्तला दे दो, ठीक है, कि जिधर भी पीला कैरी डब्बा नजर आए उसकी तलाशी लेनी है। चलें सही है सर। सही है जी जी। हाँ और सीसीटीवी कैमरास की फुटेज वगैरह चेक करो सर। जो एक पीला कैरी डब्बा तो आपके वालिद साहब भी चलाते हैं ना? अरे वो नहीं। अच्छा अच्छा वो नहीं, दूसरा। हाँ दूसरा दूसरा तू छोड़े। अच्छा। काम कर, तू मुझे लाइव लोकेशन दोबारा से सेंड कर, उस फोन नंबर को दोबारा से ट्रैक कर और बता उसकी लोकेशन अब कहाँ की आ रही है। चले मैं व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन सेंड करता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी फौरन फौरन मुझे अपडेट करता रही। सही है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, बंदा बिल्कुल मेरे हाथ लगने वाले। सही है ओके सर। ओके अल्लाह हाफिज़। चाय नहीं लाया तू? सर जी चाय यहाँ पे है ही नहीं, वो कह रहे हैं लींबू पानी है यहाँ पे। तो लींबू पानी ले आ रहा यार तू कंजूस आदमी। बस वो लींबू पानी ठंडा नहीं था, फिर आप कहते क्या फायदा, ठंडा ही नहीं था। सीधा बोल, पैसे भरने का दिल ही नहीं कर रहा तेरा। सॉरी सर जी सॉरी। चलो लोकेशन मिल गई है मुझे, आज फॉलो करते हैं। लोकेशन मिल गई है, वाह भाई वाह। लोकेशन भेज रहे मेरे डिपार्टमेंट। क्या बात है क्या बात है, बड़ा तेज डिपार्टमेंट है आपका वैसे। यही बात है ना यार, ऐसे तो नहीं इस पूरे शहर को हमने क्राइम से पाक करके रखा है। क्या बात है सर, ये तो बात है, आपकी पावर तो है। पावर है पावर है, बहुत पावर है। क्या बात है सर, मैं खुश हुआ हूँ, बड़ा इम्प्रेस हो गया हूँ मैं। बड़ा इम्प्रेस हो गया तू, बहुत बड़ा टॉप चीज है ना, इम्प्रेस हो गया तो बहुत काम हो गया। अच्छा ना सर, गुस्सा क्यों दिखा रहे इतना? चुपचाप बैठा रहे, एक तेरे बच्चे को मैं बचा रहा हूँ, बजाय इसके तू मेरे पांव धो धो की पी इधर बातें कर रहा है मेरे साथ। सर सर जल्दी जाएं काइंडली, मेरा बच्चा कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए सर। बड़ी मुसीबत में तो फंस चुका है, मैं तुझे बता रहा हूँ। सर प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ सर, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लें सर प्लीज। यहाँ से गुजर के गया है, मेरी बीवी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी सर। अच्छा अच्छा टेंशन मत ले, बचाता हूँ तेरे बच्चे को, खुद बच्चे की कोई फिक्र नहीं है तुझे। सौतेला बच्चा क्या तेरा? नहीं नहीं सर, मेरा इकलौता बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ। इकलौता बच्चा? सर मैं क्या बताऊं सर, मैं रो भी नहीं पा रहा, मेरे से एक्टिंग भी नहीं हो रही रोने की सर, मैं क्या बताऊं सर मैं। नहीं कोई जरूरत नहीं ओवर एक्टिंग करने की, चुप हो जा, ढूंढ के ला रहा हूं तेरे बच्चे को। सर प्लीज जल्दी जल्दी जाएं सर काइंडली। हां बस सही है पहुंच रहा हूं। सर जी कितने पैसे चाहिए बताएं? पैसे वगैरह बाद में। वो देखें पीला कैरी डब्बा, वो जा रहा है वो सामने, वो देखें वो भाग रहा है, वो देखो टक्कर लगी है उसकी। इसको अभी मैं नहीं छोड़ता, अभी देखो मैं करूंगा क्या इसके साथ। भगाएं भगाएं सर, मारे मारे टक्कर, टक्कर नहीं मारना, मेरा बच्चा मर जाएगा सर, मेरा बच्चा मर जाएगा। हां ठीक है ठीक है, अब तो टक्कर ही मारने वाले थे सर जी। टेंशन नहीं लेना तुमने, ठीक है जी जी सर। अभी देखो मैं करता क्या हूं इसका, क्या मैं हाल करूंगा, बस एक बार पकड़ लूं इसको फिर देखो सर जी। इसको पता ना चल जाए कि हम लोग पुलिस वाले हैं। हां पता नहीं चलेगा इसको, हमने गाड़ी जो बदली हुई है पता कैसे चलेगा। हां सच, पुलिस वाली गाड़ी तो हम पीछे छोड़ के आ गए। सही है सही, बस मेरी वर्दी ना देख ले। हां हां मैं तुझे बताऊं, अब ये लोग घबरा गए, इनको पता है कि पुलिस इनका पीछा करेगी। हां बिल्कुल सर जी बिल्कुल, वो सर जी टक्कर होगी इनकी, आराम आराम से पीछे रखें गाड़ी को, ये ना ये मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। हाँ चलो ठीक है, यहाँ से निकल के जाते हैं। सही है बस ये चेक करते हैं जहाँ कहाँ हैं, आराम आराम से सर। ओके ये गाड़ी अभी निकाली, उतरा है बंदा तो उतरा है यहाँ पे। हाँ बंदा तो उतरा है सर जी। एक मिनट आप यहाँ साइड पर रुक जाए सर, बंदा कहीं जा रहा है सर जी। चलो फॉलो करते हैं उसको, चलो चलो शाबाश सर जी। जी 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 फॉलो करते हैं सर, आराम आराम से सर। देख वो देखें वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। हाँ ठीक है तुम कैरी डब्बे की तलाशी लो। जी सर। फैजान उजैफा तुम दोनों कैरी डब्बे की पहले तलाशी लो, ठीक है, फिर उस बंदे को फॉलो करते हैं, बच्चे की जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैरी डब्बा खड़ा है, कैरी डब्बे को बहुत बुरी तरह ठोक के चला गया। ये देखो कैरी डब्बे को खोल के देख लेते हैं जी। आ जाओ उजैफा, देखो इधर ढूंढो अपने बच्चे को इस डब्बे में से, किधर छुप के बैठा होगा, किधर छुपा है? छोटे बच्चे बाहर आ जा, बाहर आ जा, छोटे बच्चे किधर छुपा है तू? सर जी इस कैरी डब्बे में तो है ही नहीं। नहीं है इसमें? इसमें नहीं है सर वो। हैं सर जी लगता है वो चूना लगा गया हम लोगों को। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इतनी देर से हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो बंदा है ही नहीं किडनैपर। सर ये क्या ड्रामेबाजी है, मेरे बच्चे को मार तो नहीं दिया इन लोगों ने? यार टेंशन नहीं लो, उनका कैरी डब्बा हमें पता चल गया ना, ये किसकी कॉल आ रही है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मैं अभी जा रहा था, आपकी पुलिस वाली गाड़ी है ना, हाँ उसके ऊपर जा रहा था ना, तो एक काला कैरी डब्बा मेरे सामने जा रहा था, शीशे काले थे, अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। अच्छा
हाँ बच्चे सही रो रहे थे, भकाटे अड़ रहे थे, चीके मार रहे थे। अच्छा अच्छा सही। हाँ जी। चलो तू एक काम करना कि तू उस गाड़ी को फॉलो कर, ठीक है? मैं तो आपकी गाड़ी लेके घर जा रहा हूँ, मुझे कोई फेर ही ना मार दे, है ना सर जी? यार पागल आदमी, फासले फासले से फॉलो कर ले, मैं बस पहुँच रहा हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है? चलो मैं आपको नंबर प्लेट की तस्वीरें भेजता हूँ। हाँ ठीक है जल्दी कर, जल्दी भेज। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मैं इसको फेलो तो कर रहा हूँ, बड़े डाढ़े बंदे अंदर से मेरा बच्चा रो रहा था, कह रहा था अबू अबू, मैं चुप करके बैठ गया हूँ, मैंने कहा मुझे गोली ना मार दे, अभी मैं फेलो का कर रहा हूँ, इतनी तो स्पीड से केरी डब्बा चला रहे हैं, केरी डब्बा नहीं लंबोर्गिनी हो गई, अल्लाह जी कितने खतरनाक है, मेरे बच्चे को बेच के खा ही ना जाए, मेरा बच्चा मैं आ रहा हूँ, पुलिस वाले भाई को भी बताना पड़ेगा, मैं भी इसको फॉलो तो कर रहा हूँ पर इस गाड़ी में इतनी जान नहीं है, ये किधर गए, इनकी गाड़ी किधर गई यार, यहीं तो थी अभी, किधर गई मैं देखूं जरा, नीचे तो नहीं चले गए, मैं इस गाड़ी को यहाँ रोकता हूँ, नीचे देखता हूँ, चलो वहाँ से जाके अभी गाड़ी रोक के देखता हूँ, क्या पता मेरा बच्चा इधर ही हो, अल्लाह करे मिल जाए मेरा बच्चा, यार ये तो नीचे भी नहीं है, ये क्या, हेलो पुलिस वाले, हेलो हेलो, यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। यार पागल आदमी, तुझे बोला था उस कैरी डब्बे को फॉलो करना है जिसमें किडनैपर्स हैं, क्या कर रहा है यार तू? हाँ फॉलो कर रहा था, वो एकदम पुल से छाल पट गए। पुल से छाल पट गए तो तू भी छाल पट जाता ना यार। मुझे पेशाब आई थी, मैं पेशाब करने चला गया था। बस ठीक है बैठ के, अब उधर पेशाब ही कर, तेरे बच्चे को मार देंगे, सही है, ठीक है, अच्छा हो गया, गुड हो गया। नहीं यार पुलिस वाले भाई, मैंने उससे बिजनेस करवाना है। बिजनेस करवाने है तो बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर जी मैं कोशिश कर रहा था, वो इतना तेज चला रहे थे। तो तू तेज नहीं चला सकता था पागल आदमी? आपकी गाड़ी ऐसी है, तेज ही नहीं चलती। अच्छा बता आखिरी बार किधर देखा है? एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट के पास देखा है कैरी डब्बे को? हाँ जी। चल ठीक है, मेरे बच्चे को उड़ा के ही ना ले जाए। उड़ा के ही ना ले जाए, बढ़ाया। चल ठीक है, फॉलो करने का काम दिया था, वो हुआ नहीं ढंग से तुझसे। सर जी ठीक है, फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ जा अपने घर जा, जाके मर जा, जाके सोऊंगा और पेशाब वगैरह भी करूंगा। हाँ ठीक है, मोहल्ले में सबको बताता बताता जा। एक काम करना, स्पीकर उठा ले और जोर जोर से बोल अभी मैं पेशाब करने वाला हूँ। जलील आदमी। सर जी आपकी गाड़ी में स्पीकर लगा है ना, इसी में बोलता रहूंगा। ठीक है आपकी गाड़ी में पेशाब कर दूं? गंदी की ना गाड़ी, मैं तुझे बताऊंगा, अभी सीधा जाके घर दफा और मेरी गाड़ी को ना पुलिस स्टेशन में जाके खड़ा कर देना, ठीक है? सर जी पेट्रोल भी डलवाऊंगा, अपने घर लेकर जा रहा हूँ। अपने घर तू लेके जा, मैं पुलिस वालों को भेजता हूँ, उधर से उठाने आएंगे। अच्छा छोड़ जाता हूँ, थाने छोड़ जाता हूँ। हाँ ऐसे शरीफों की तरह, ठीक है? ठीक है। ए, गाड़ी पुलिस वाले की वैसे मजे की है, पीछे बड़ी जगह है, बंदा अपने खानदान को बिठा कर तो ट्रिप पे चला जाए। सर जी यहाँ पे तो कोई कैरी डब्बा नहीं है, लगता है शारिक का अबू हमें चूना लगा गया ना। नहीं नहीं देखते हैं, इधर चेक करते हैं, इधर ही होगा कैरी डब्बा, एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट के आसपास देखा गया उस कैरी डब्बे को कहीं ना कहीं। सर एयरपोर्ट तो उस तरफ है ना? हाँ उधर ही लेके चलते हैं, चलो शाबाश। ओए ये कौन गया, ये कौन निकला है बड़ी तेजी से, वो देखिए कैरी डब्बा है, ये तो काले कलर का वाला है। अच्छा सर जी मोड़े मोड़े सर जी। हाँ मोड़ रहा हूँ, जाता हूँ इसके पीछे, जल्दी करें सर जी प्लीज, मेरे बच्चे को बचा लें सर जी, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है सर। हाँ टेंशन मत लो, बस मैं पहुँच रहा हूँ। ये किधर चला गया कैरी डब्बे वाला? सर जी ढूंढ रहा हूँ उसी को ढूंढ रहा हूँ, पता ये यार ये किधर घुस रहा है? ये नहीं है सर जी, ये दूसरी गाड़ी थी। अच्छा अच्छा मुझे लगा ये वो जा रहा है, वो सामने देख रहे हैं आप? अंदर हाँ हो सकता है यार, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये जो किडनैपर्स होते हैं ना, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं। हाँ यार बहुत पैसा होता है, लगता है बॉडी पार्ट्स बेचते हैं बंदों के, है ना? और नहीं तो क्या। हाँ यही काम होते हैं इनके, दिल गुर्दे फेफड़े दबाग सब बेच देते हैं। ये देखो टकरे मारता हुआ जा रहा है, अंधा आदमी। ये सर पकड़ा गया सर जी, अंदर लेके आ गए सर जी। तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, आराम से यहाँ पे खड़े हो जाओ। भाग गया सर जी, वो भाग रहा है सर जी, भाग रहा है। पकड़ के लाता हूँ उसको, तुम लोग भी ये गन्स पकड़ लो, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ, ठीक है? खैरी डब्बे की तलाशी ले फैजान तू। ओके सर जी मैं लेता हूँ तलाशी। इधर गए बे, इधर है तू, इधर आजा, पुलिस ने तुझे पूरी एक तरफ से घेर लिया है, बाहर आजा जल्दी कर, मैं तुझे बता रहा हूँ तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। ये जो हरकतें कर रहे हो ना, घिनौनी हरकतें, बच्चे पकड़ के अगवा करते हो, उनके फिर दिल गुर्दे बेच देते हो, आज नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, जल्दी करो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ फौरन से। ये नहीं आ रहा भाई, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा,
आ जाओ चलो। जी सर, ध्यान से जाना सर प्लीज। हाँ ध्यान ध्यान से जा रहा हूँ, ओह छोड़ूंगा तो नहीं मैं इनको। हाँ इधर इधर ये देखो, इधर बंदा खड़ा है, फौरन से आ जाओ, तुम लोग भी बंदूकें लेके आ जाओ। जी सर कौन है आप? कौन है? मैं बताता हूँ कौन हूँ। अरे बच्चे इधर है, जल्दी आ जाओ। सर जी आ गए पुलिस वाले, सर जी हमें मार रहे थे, सर जी पुलिस ने मार दी, सर जी इनको एनकाउंटर कर दे। एनकाउंटर करूंगा अभी अभी, इनके माथे पे गोली पड़ेगी, जल्दी आ जाओ। गुर्दे तो निकाल लिए बेटा, गुर्दे निकाल लिए तूने है बाबे, अच्छे से निकाल, अच्छे से निकाल, इधर बंदे मार के खड़े हुए, तुझे भी शर्म नहीं आ रही? प्लीज सर कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया सर, ये बस अभी बेच के आते हैं। मैसेज मत कर, इन्फॉर्मेशन मत दे लोगों को, हाथ ऊपर कर सर जी, हाथ ऊपर कर। अच्छा सर, ओके 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 सर जी, ओके सर जी, सर जी इसको गोली मार दे मेरे प्यारे सर जी, इसने हमें बड़ा तंग किया है, ये अभी हमारे गुर्दे निकाल देता, देख रहे हैं जी खून कितना इन्होंने लगाया हुआ है इधर। ऐसे ही निकाल देता क्या गुर्दे? मेरे होते हुए कोई अभी क्राइम नहीं कर सकता। ये एक बंदे को तो इन्होंने मार भी दिए, इस बेचारे के गुर्दे निकाल लिए, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जी सर जी, ये देखो तुम्हारा बच्चा मिल गया। सर जी उधर पीछे और भी बंदे इन्होंने पकड़े हैं, सालों से ये यहाँ पे यही काले घिनौने काम कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। अच्छे से तलाशी लो, यहाँ पे और भी बच्चे होंगे। अरे ये क्या, ये क्या, ये यहाँ पे खड़ा है, ये देखो ये देखो ये हरकतें देखो इसकी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? हाँ इधर बच्चे अगवा करके रखे हुए, चार बच्चे अगवा हुए पड़े हैं, छोड़ दे सर मैं बच्चा नहीं। पांच बच्चे हैं यहाँ पे, ओ नो बहुत घिनौने काम चल रहे हैं यहाँ पे, तो इन सारे बच्चों को इनके घर पहुँचाओ। सर जी अभी हमारे गुर्दे निकाल लेते हैं लोग, शुक्र है आप आ गए सर जी, बहुत शुक्रिया सर। हाँ कोई बात नहीं, चलो जल्दी करो शाबाश, गाड़ी में बैठो। और सामने देखो, सामने देखो गैंग का एक और बंदा आ रहा है, इनकी गैंग का एक और बंदा आ रहा है। सर जी मेरी गाड़ी पे फायरिंग कर रहे हैं सर जी, जरा ध्यान से। अरे पीछे हट जाना यार, क्या कर रहा है फजान, तू मुझे क्यों मार रहा है? सर जी मैं तो इन बंदों को मार रहा था। क्या यार कसम से, नल्ले बंदे लेके आया हूँ अपने साथ में भी, पर आज काम बहुत अच्छा हो गया, इनको मैंने पकड़ लिए, अब इनकी गैंग का जो एक बंदा मुझे मिला है ना उससे सारे राज निकलवाऊंगा मैं। क्या कर रहा है यार, बचाओ बचाओ, वो तो भाग रहा है, कैरी डब्बे का मुंह खराब करके भाग रहा है। इधर आ तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं फॉलो करता हूँ इनको, तुम लोग बच्चों को लेके घर पहुंचो। जी सर जी, जी सर जी ठीक है, इधर मेरे साथ मैं, किधर मैं आ आपके साथ बैठ जाऊं सर जी, आपकी जान को खतरा है सर जी, मुझे क्यों मार रहे हैं सर जी? मैं अपनी जान खुद ही बचा लूंगा, अपने डिपार्टमेंट में कॉल कर दिया मैंने, वो लोग पहुंचाते ही होंगे सर जी, एक मिनट मुझे बैठने दे, बच्चे भी आ रहे हैं हमारे साथ सर जी। चलो आ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ ठीक है सर जी, मैं भी बैठ जाता हूं। जल्दी बैठो ना यार, टाइम नहीं है, वो लोग निकल जाएंगे। वो जा रहा है सर जी, कितने बच्चों को इन्होंने कत्ल किया आज तक सर जी, कितने बेचारे बच्चे रो रहे थे, मैं गया ना अंदर। हाँ 10 लाशें मिली है वहां से, ये लोग पकड़े जाए ना कसम से कुत्ते की मौत मारूंगा, छोड़ता नहीं मैं इनको आज। सर वो जा रहा है काले बुलान वाला, बुलान की तो हालत इसने खराब की हुई है, लेकिन पकड़ा जाएगा, इसने अंदर पता नहीं क्या क्या लगवाया है, टर्बो। तूने अपनी गाड़ी क्यों इतनी तेज करवाई है सर जी? ये है ही इतनी तेज सर जी, क्या कर रहे हैं क्या कसम से, अभी देखो गली में घुस गया, उसको पता था कि मैं यहाँ पे मोड़ नहीं काट सकूंगा। जी जी सर, ये बहुत तेज गाड़ी है ना, और नहीं तो क्या। वो सर खड़ा खड़ा आराम से जा रहे, यहीं कहीं होगा सर जी, यहाँ तो नहीं है, पार्किंग में था वो, मेरे सामने गया, वो जा रहा है, वो जा रहा है सर जी, जाएं जाएं सर जी, वो रुक गया, फायरिंग करें सर जी। हैंड्स अप सर जी, मैं सरेंडर करता हूँ सर जी, गोली मत मारें, जल्दी सरेंडर कर सर जी, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, जल्दी शाबाश, सरेंडर मैं निकालता हूँ तेरा, सरेंडर बनाऊंगा तुझे अभी, पकड़ो इसको, सर जी मैं इसे छोड़ूंगा तो नहीं सर जी, पकड़ तो ले पहले, वो भाग रहे कुत्ते की तरह, और तू कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, किधर गया इधर झाड़ी सर जी, इधर ही था इधर, ये सर सर मारे मारे सर, सर जी वहां पे है, वो है सर, ये मारा गया, मारा गया सर जी। चलो भाई इसका तो किस्सा तमाम हो गया, खसकम जहां पाक। जी जी सर, अब इसकी गैंग के बाकी बंदों को भी पकड़ूंगा, छोड़ता नहीं हूं मैं इनको, बस टेंशन ही लेनी तुम लोगों ने, मेरे होते हुए इस शहर में कोई क्राइम नहीं कर सकता। जी जी सर, चलो अपने बच्चों को लेके सेफली घर चले जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ ठीक है। जी सर ये गाड़ी तो देना, आप अपने घर, गाड़ी लेके अपने घर जाऊंगा। नहीं नहीं सर गाड़ी यार आप लोग को वापस कर दूंगा ना, आप लोग को घर छोड़ूंगा उसके बाद अपने घर चला जाऊंगा ठीक है, क्या बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, टेंशन वाली बात ही नहीं है यार। मैं तो आज मेरे बच्चे के गुर्दे सर जी मैं आपको लेने आया हूँ सर जी, वैसे गुर्दे कहाँ बिकते हैं? तूने बेचने तो नहीं? नहीं नहीं सर, वो अपने बच्चे के अगर बेचने हो तो, अपने बच्चे के अपने बेचना, इतनी तकलीफ हो रही है तुझे अगर तो। मजाक कर रहा हूँ सर जी, सर जी हम आपको ये देखो मेरा ऑफिसर आ गया है, काले सर वाला और चिट्टे बाजू वाला सर जी, यार फेरन लवली लगानी थी तो मुंह पे लगाता यार, बाजू पे लगा के घूम रहा है यार, क्या आदमी है यार। सर जी आप बैठे हैं? हाँ बैठ रहा हूँ, जल्दी करें ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज़। ओके
सर बहुत शुक्रिया सर आपका, सर आपने हमें बचा लिया सर, स्कूल जा रहे थे हम लोग, ये लोग हमें पकड़ के ले आए। मुझे तो तू न्यूज़ रिपोर्टर लग रहा है। सर जी मैं वीडियोस बना रहा था ना इनकी। अच्छा अच्छा, इनकी वीडियोस बना के मैं पब्लिश करने वाला था ना सर अभी। सही, ये सारे रिकॉर्ड मुझे देने। किधर जा रहे यार तू, किधर जा रहे? सर जी मोड़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मेरी गाड़ी लेके भाग जाएगा। चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया सर। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो यार, जल्दी से इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक्स तो करवा दो यार। पिछली वीडियो पे भी आपने लाइक एम कंप्लीट नहीं करवाया। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।